अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप फॉर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड ईमान। टुडेज टॉपिक इज सेलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सेलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो सेल लेवल है, सेलुलर लेवल है, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उनमें किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, सो वी गोना सी इन डिटेल हाउ दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट यू नो सेल अरेंजमेंट्स इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, द नंबर वन, वी हैव ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई एंड एनिमल्स, एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द सेल्स, एंड द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप वर मेड ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, व्हाइल द अदर ग्रुप्स हैव द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब क्या है कि टू मेजर टाइप्स हैं, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और एक क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर आप, हमने ये जो पांच ऊपर पढ़े हैं, ठीक है, फाइव ग्रुप्स आपने पढ़े जिसमें प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट हैं, सो दीज टू आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज इन थ्री वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड द सेल्स मेक द यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो थ्री मेजर टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन की, दैट सेल्स मे बी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो अब ये जो है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब सेल्स होते कौन से हैं, इसमें यूनिसेलुलर कौन से हैं, मल्टी सेलुलर कौन से हैं, ठीक है, कॉलोनियल कौन से हैं। आपको फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये सब सेल्स की जो हैं वो कौन सी टाइप्स हैं, जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जस्ट वन सेल, यू सी, सिर्फ एक सेल होता है जो पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ बनाता है, या पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जस्ट वन सेल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट दी ऑल दी लाइफ एक्टिविटीज आर कैरीड आउट इन बाय दी ओनली सेल। ठीक है, जो एक वो सेल है उसी में तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें अमेबा है, प्रमेशियम है, यूग्लिना आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब ये कौन से सेल्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, आप इनके जो है बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे ना, यूनिसेलुलर में यूग्लिना, अमेबा और परमेशियम के, तो ये जस्ट दीज आर द वन सेल्स। ठीक है, सो क्या होता है कि जब ये एक सेल हैं तो इस एक सेल के अंदर ही सब फंक्शंस जो है, जिसमें आप कह लें चाहे उसकी वो फूड इनटेक है, डाइजेशन हो या उसकी रेस्पिरेशन हो, एक ही सेल में सब फंक्शंस हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप इजीली, दिस इज़ दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। सो ये किस तरह से अरेंज है कि यूनिसेलुलर से आप उसको स्टार्ट करें, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक लेवल से नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल है, उसके बाद आपके पास सेलुलर लेवल है या ऑर्गेनल लेवल जिसको आप कहते हैं, ऑर्गेनल और सेलुलर लेवल, ऑर्गेनल और सेलुलर के बाद फिर आपके पास आ जाएगा सेलुलर सेल्स के बाद आपको पता टिश्यू लेवल आता है। ठीक है, टिश्यू लेवल के बाद फिर आपके पास आएंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आप इन पिक्चर्स को देखें, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से ये जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है जा रहा है सिंपलर से। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद आ जाएगा इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल के बाद आ जाएगा आपके ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल। ठीक है, एंड आफ्टर कम्युनिटी लेवल यू हैव द बायोस्फीयर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड हियर यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यू सी इन द दिस फिगर दैट यू हैव द अमेबा, परमेशियम एंड यूग्लिना। इफ़ यू सी इन द फिगर वन, विच इज यू कैन सी ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, दैट विच इज द अमेबा। ठीक है, it is just one cell, it does not have a specific shape, its shapes also changes, it's just like you know a water falling on somewhere and makes the shape, jab pani kahin gir jaye na to is tarah ki shape ban jati hai, idhar udhar ko uske wo nikle aur koi usme aisi koi exact shape nahi hoti hai, to amoeba ki bhi isi tarah ki shape hai, jabki paramecium ko agar aap dekhe iski ek thodi fixed shape hoti hai, isko स्लीपर शेप भी कहते हैं, शू शेप भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ए स्लीपर सेल ये होता है। तो क्या है ये आपके पास है पैरामेशियम, उसके बाद थर्ड वन आप देखेंगे यूग्लिना है। ठीक है, जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो ये अब आप ये देखें, तीनों तीनों टाइप्स जो आप देख रहे हैं ना, तीनों इसमें सेल्स आपने देखे हैं, तीनों सिर्फ एक एक सेल है ये,
ये इस तरह नहीं है कि इसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिले हुए, तीनों एक एक सेल है, जस्ट वन सेल, ठीक है। तो ये बहुत वो आप देखें एक एस्टोनिशिंग फीचर है कि किस तरह से सिर्फ एक सेल है जो आप उसको देख रहे हैं कि वो उसमें फुल जो है उसकी लाइफ पूरी उस पर एग्जिस्ट कर रही है, जस्ट एक सेल के ऊपर, ठीक है। सेकंड टाइप आपके पास रहती है कॉलोनियल। कॉलोनियल टाइप में क्या होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, मैनी यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, अमंग देम। अच्छा, अब क्या है कि जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल में क्या हुआ कि डिफरेंट सेल्स आपके पास जो हैं वो रह रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, डिफरेंट सेल्स एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं। होता क्या है कि जब डिफरेंट सेल्स एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो आपके पास हर सेल जो है अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, हर सेल जो है अपनी लाइफ उसको कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ना उस हिसाब से। तो लेकिन ये है कि वो रहते इकट्ठे हैं, ठीक है। तो आप जब फिगर में भी देखेंगे तो ये एक कॉलोनी है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने ज़्यादा सेल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये सब इकट्ठे रह रहे हैं और अपनी अपनी जो है एक, जैसे आप कॉलोनी का वड़ा पाव, आम कॉलोनी भी जब अगर आप देखें तो उसमें होता क्या है कि एक कॉलोनी होती है ना, जैसे हम अपनी हाउसिंग कॉलोनी या इस तरह कहते हैं कि एक कॉलोनी है वो, ठीक है, कोई भी हमारा जो हाउसिंग का एरिया होता है ह्यूमन बीइंग का, उसको हम एक कॉलोनी कह देते हैं, ठीक है, यही कहते हैं ना। तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट हाउसेज हैं, बहुत से लोग हैं, अपने अपने घरों में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, वो रह रहे एक ही एरिया में इकट्ठे हैं, लेकिन सब अपने अपने घरों में हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अपने उसके साथ, ठीक है। तो सेम इज दैट विद दी दिस टाइप ऑफ दी सेल्स के, वो कॉलोनी में ज़रूर होते हैं लेकिन वो अपने काम खुद कर रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं एक जगह पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईच यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ए कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यही चीज़ है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे अब हम एक कॉलोनी में डिफरेंट घर होते हैं, डिफरेंट हाउसेज हैं, डिफरेंट फैमिलीज हैं, ठीक है, वो सब अपनी अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, सब खुद ही जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह की उनको चाहिए, जिस तरह की उनको रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी, उसके मुताबिक, ठीक है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि यहाँ पे भी कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हर सेल जो है वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉलोनी इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास क्या है, दैट वॉल वॉक्स इज द ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ वॉल वॉक्स, ठीक है, वॉल वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। क्या आप फिगर देख सकते हैं कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वॉल वॉक्स सेल्स हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है, वो कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन कोई सेल किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉलोनियल लाइफ स्टाइल, कि किस तरह से कॉलोनियल सेल्स जो हैं वो रहते हैं इकट्ठे। नेक्स्ट इज द मल्टाई सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्स आर दी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टिश्यूज ऑर्गन्स एंड दी ऑर्गन सिस्टम्स, के सेल क्या है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हैं कि वो ऑर्गन्स बना रहे हैं, वो टिश्यूज बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। फ्रॉग एंड द मस्टर्ड आर दी फेमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ द मल्टाई सेलर ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टाई सेलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और हर सेल के अपने फंक्शन हैं, हर सेल जो है वो टिश्यूज बना रहे हैं, मिलके एक दूसरे के साथ ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये थ्री टाइप्स हैं जो आपके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हैं। और ये जो आगे डिटेल है मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग प्लांट की, आई होप कि हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ईजिली हो जाएगी। सबसे पहले आप अपना ये कॉन्सेप्ट जो है यूनि सेलुलर, कॉलोनियल और मल्टाई सेलुलर, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें। कोई भी इसमें इशू या प्रॉब्लम है तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है, मुझसे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसका तरीका ये है कि आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से ही आप इस कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हर तरह की सपोर्ट और आपका जो है आपके क्वेश्चन के आंसर सब कुछ मिल सकता है। सो नेक्स्ट हम जो है डिटेल पढ़ेंगे मस्टर्ड की और फ्लोर प्लांट की। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।